अवसर मैरिज जो आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी उत्तर प्रदेश से। वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के पुराने साथी दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, मान विधायक भी कह सकते हैं, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी को बाय बाय करने जा रहे हैं। जी हाँ साहब, समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से, माफ कीजिएगा, आजम खान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर तो अखिलेश यादव शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। अखिलेश यादव को एहसास हो गया होगा कि आज उनका सबसे बड़ा कह सकते हैं वजीर आज उनसे दूर जाने की फिराक में है, क्योंकि क्योंकि जिस प्रकार से बात कही जा रही है कि अब्दुल्ला दरी भी बिछाए, अब्दुल्ला वोट भी दे और अब्दुल्ला जेल भी जाए, तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ आजम खान को कही जा रही है और मुसलमान वोट को लेकर कही जा रही है। मुसलमान के वोट से अखिलेश यादव जीतते हैं, मुसलमान का वोट जब मिलता है तो अखिलेश यादव की सरकार बनती है और जब जाना होता है तो मुसलमान ही जेल जाता है। ये बात समाजवादी पार्टी के मुसलमान खुद बयां कर रहे हैं, कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, जिस प्रकार से योगी सरकार बनने के बाद खुलासे हुए हैं, जांचों में सामने आया है, लेकिन जेल कौन गया? क्या अखिलेश यादव जेल गए? क्या अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जेल गए? क्या उनके चाचा शिवपाल यादव जेल गए? या अखिलेश के परिवार का कोई भी एक शख्स जेल गया? आप कहेंगे नहीं गया, लेकिन जेल कौन गया? आजम खान गए, जिनका कोई ताल्लुकात अखिलेश के परिवार से नहीं है, न उनके धर्म से। आज आजम खान का पूरा परिवार जेल की सड़कों के पीछे सड़ रहा है, सजा काट रहा है। इसका जिम्मेदार आज आजम खान अखिलेश यादव को ही मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट और आपसे अनुरोध करते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आजम खान की गिनती समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं में से की जाती है। उनके मीडिया इंचार्ज फसाद ने दावा किया है कि अखिलेश यादव की कार्यशैली से साबित हो गया कि वह आजम खान की मदद नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सपा के नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद अली खान उर्फ सानू ने अपनी पार्टी खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है, कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन लोगों के कपड़ों से बदबू आती है। यही नहीं, मोर्चा खोलते हुए मीडिया प्रभारी ने यह भी कहा कि उन लोगों ने अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, पर वे लोग आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बड़प्पन नहीं दिखा पाए। सानू ने आगे दावा किया कि हमारी शिकायत सपा से है, हमारे मुस्लिम वोट से ही सपा को 111 सीटें यूपी चुनाव में मिली हैं, पर हमारे कपड़ों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को दुर्गंध आती है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि दरी भी अब्दुल बिछाएगा, वोट भी अब्दुल देगा, जेल भी अब्दुल ही जाएगा। दरअसल मौजूदा समय में आजम खान जेल में बंद हैं। इस बीच फसाद ने पार्टी प्रमुख पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश ने आजम के लिए आवाज़ न उठाई, जेल से उन्हें बाहर लाने के लिए वह मदद नहीं कर रहे हैं, वे चुप हैं, सदन में भाषण दिया पर आजम खान का नाम तक नहीं लिया। आजम के मीडिया प्रभारी ने हिंदी न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि यह दर्द और भी जख्म है, आप समझ रहे हैं कि हम किस कदर जी रहे हैं, 2.5 साल से अब्दुल आजम साहब जेल में हैं पर सपा ने कुछ नहीं किया, अखिलेश सिर्फ एक बार उनसे जेल में मिलने गए। बकौल फसाहत, हम किससे कहें, अखिलेश हमारे जख्मों पर मरहम तो लगा नहीं सकते, कम से कम हमारे आंसू तो पोंछ दें, वो भी नहीं कर रहे हैं। क्या आजम के परिवार के लोग भी यही कह रहे हैं? इस सवाल के जवाब में वह बोले, यह मेरा निजी दर्द है, मैंने बार बार बयां किया, उनकी पत्नी और बेटे से भी यह कहा, वह जेल में तो आएंगे पर मैं पहला शख्स रहूँगा जो उनसे कहूँगा कि अब फैसला लेने का वक्त है। सानू ने दावा किया कि 111 सीटें सिर्फ मुस्लिम समाज की वजह से आई हैं, यह सच्चाई है, इसे दिखाना चाहिए, कई जगह उन्होंने अपनी जात तक का वोट नहीं मिला, मैं तो सच बोलूँगा, मेरी उनसे जेल में मुलाकात नहीं हुई है। रोचक बात यह है कि आजम खान के मीडिया प्रभारी की ओर से यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई जब अखिलेश अपने परिवार के सियासी पचड़े में उलझे हुए हैं। चाचा शिवपाल यादव के साथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद दोनों की पटरी नहीं खाती दिख रही है।
अटकलें तेज हैं कि अखिलेश के चाचा बीजेपी में जा सकते हैं, मगर फिलहाल इस बाबत कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।